दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपनी कार का एसी फिल्टर या केबिन फिल्टर क्लीन कर सकते हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो ग्लव बॉक्स है वो खुला हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। इसको किस तरह से खोला था मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाला हूँ। आपको पता हो कि मारुति की गाड़ियों में सुजुकी कनेक्ट ऐप आता है या फिर एक डिवाइस होता है जिसको हम गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट गाड़ियां होती हैं उनमें कंपनी फिटेड वो जो जीपीएस ट्रैकर है वो आता है। अब ये सुजुकी कनेक्टेड जो डिवाइस होता है दोस्तों, इसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी के 40 प्लस सिक्योरिटी फीचर को एक्टिव कर सकते हैं। यानी आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है वो सारी चीज़ें आपको फ़ोन में एक ऐप के माध्यम से दिखेंगी जिसका नाम है सुजुकी कनेक्ट ऐप। और साथ में अगर कोई गाड़ी को चला रहा है तो कितनी स्पीड से चला रहा है, किस तरीके से चला रहा है, जियो फेंसिंग आप सेट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर इस एरिया से गाड़ी बाहर जाएगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो 40 प्लस सिक्योरिटी फीचर मिल जाते हैं जिससे आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी और बढ़ जाती है, गाड़ी को चुराना नामुमकिन लगभग हो जाता है। तो वो जो डिवाइस होता है दोस्तों, उसको आप बाद में भी लगवा सकते हैं। जैसे कि ये ब्रेजा गाड़ी है, मिड वेरिएंट है, तो इसमें भी आप उस डिवाइस को लगवा सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट आती है वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ से लगाते हैं। तो वो डिवाइस लगाने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई, आप मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में गाड़ी की जो हेल्थ है उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही है, इंजन में कोई इशू आ रहा है, तो वो भी फ़ोन के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, सिक्योरिटी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वो डिवाइस है। तो अब इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी और ये ग्लव बॉक्स खुला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप चाहें तो वो डिवाइस खुद भी लगा सकते हैं। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा आपको एक दो वीडियो यूट्यूब पे देखना होंगे, लेकिन उसकी जो केबल होती है यानी उसको जो कनेक्ट करने के लिए जो कपलर होता है उसको कहाँ कनेक्ट करना है, इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसमें ऑलरेडी दोस्तों कपलर दिया होता है, बहुत सारी गाड़ियों में मारुति की कपलर दिया होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है वो कपलर, क्योंकि मैंने ये ग्लव बॉक्स खोला था केबिन फिल्टर क्लीन करने के लिए, तो मैंने सोचा इस बारे में भी आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक आपको कपलर दिख रहा होगा, ये वाइट वाला, देखिए ये कपलर है, ये इसके ऊपर एक केप लगा हुआ है। तो ये एक डमी कपलर दिया गया है, आपको लगेगा ये डमी कपलर है, बट ये 100% वर्किंग है। यहाँ से जो डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे उसको पावर दे सकते हैं। इसके ऊपर एक केप लगा हुआ है, इस केप को निकालने के बाद डायरेक्टली आपका जो डिवाइस है, जो जीपीएस ट्रैकर डिवाइस होता है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये जो आप डैशबोर्ड का एरिया देख रहे हैं इसको बाहर निकालना होगा, और यहाँ पर जो उसकी फिटिंग होती है प्रॉपर वो हो जाती है। तो बस इतना सा काम करना है और एक सुजुकी कनेक्ट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी अपनी गाड़ियों में ये कपलर देती है जिससे आप उस डिवाइस को आसानी से इंस्टॉल कर सकें, इसके लिए कोई वायरिंग वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आपको बताया जाए। अगर आप अपनी गाड़ी में इसको इंस्टॉल करवाने की सोच रहे हैं तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई वायरिंग वगैरह कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।